पूरे भी अब लेकिन क्या आएगा, बी सी भी आएगा तो प्लस का टू बी सी, और ए सी भी आएगा तो प्लस का टू ए सी। तो कितने टर्म्स हो गए सॉरी छः, हाँ सिक्स, मतलब ये जो इसको होल स्क्वायर खोला है इससे कितने टर्म्स आए छः। और इसका असली मतलब क्या है तुम्हें बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है मुझे बताओ, टू स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब क्या है टू इंटू टू टू। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी दोबारा फाइव, 55 का स्क्वायर करना है तो क्या करते हैं 55 इंटू 55, मतलब उसको दोबारा लिख देते हैं। ऐसे सेम आइडेंटिटी में होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को दोबारा लिख दिया। जब हम इसे खोलेंगे ए का इंटू आदित्य किससे होगा ए से, फिर ए का किससे होगा बी से, फिर ए का किससे होगा सी से, फिर बी का किससे होगा बी का, बी का सी का, मतलब तीनों का तीनों से होता है। अब देखो वो सब खोल के क्या मिलता है ये मिलेगा, पहले चेक कर लेना, तो उसको खोलेंगे ना तो एग्जैक्ट ये मिलेगा। करते हैं हाँ सर, तभी आपने ये देखा देखना आप कैसे मिलेगा, ए ए इंटू ए बताओ, चलो आंसर बोलते जाओ बिल्कुल ध्यान दे रहा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी स्क्वायर, अरे ए इंटू ए बी टू ए बी, ए इंटू सी ए सी ए सी, ठीक है भैया, बी इंटू ए बी इंटू बी ए बी ए चलो तुम देख के बताते हो, अब तो इंटेलिजेंट होएगा, बोलो सी टू एन सी, वेरी गुड, सी बी सी बी सी स्क्वायर, मतलब सी सी, हाँ वो भी सही बोला उसने, सी सी मतलब इधर सी स्क्वायर। चलो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को मैं इधर ले लूँ, ले लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर बी हो जाएंगे, फोर नहीं हो जाएंगे फोर बी। अब इसको ना ये वाली जो आइडिया है इसको लिख लो, ये दो अकेला हो गया, इसको तो यार नहीं है तो यहाँ लिख लो इसको, अच्छे याद करना है, पर देखो ये नई आइडिया आ गई अपने पास, इसको इसको भी वही क्या हाँ बताओ यार बच्चों भी वही क्या, तुम्हारे काम के नहीं है पर अभी शर्म आ रही क्या, हाँ रही है, नितेश को वही कि नहीं उसको तो याद हो गया है सर, ये दो अकेला भुला था मैं तो सर, बी जी और इसी बात, हाँ तो इसमें हमको ए बी देखो तीन चीज़ें ए बी सी, देखो और अच्छे समझो, एक बार क्या लेना है ए बी, एक बार क्या लेना है बी सी, एक बार क्या लेना है ए सी। अभी नितेश ने मुझे बोला था उसमें उसने ऐसा बोल दिया टू ए बी प्लस टू ए बी, तो फोर ए बी होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है तीनों का वो चाहिए देख दिया बढ़िया, ठीक है लगाओ इसका एक पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करके हम इसने नहीं लगाई इक्वल टू लगाई, इसने भी नहीं लगाया होगा इक्वल टू यहाँ, ठीक है चलो ये नोट कर लो बढ़िया, इस पर तुम फटाफट क्वेश्चन नहीं करोगे सर, इनसे बड़ा नहीं होता कि नहीं इनसे बड़ा नहीं होता, और वो होता भी है लेकिन इलेवेंथ क्लास में आएगा अगर मैथ्स हो गए तो, उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ओके तो बस बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा, उसमें पता है पावर कितनी हो जाएगी 10, अब कलर्स की पल्ला जाते करते करते 100, मतलब एक सर मतलब सर इसका तो सर ऐसा हो जाएगा सर, मैं बताऊं क्या सर, ए की पावर 100 बी की पावर 100 इस टाइप नहीं होगा, ऐसा ही सही कह रहा है, लेकिन 99 तो 98 भी होगी, पावर 97 भी होगी, मतलब सर पावर माइनस हो जाएगी, हां माइनस हो जाएगी और जीरो तक जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी बाइनोमियल एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, इतना और पढ़ो इतना हाई पर मतलब 9th में तक बच्चे का बाइनोमियल थ्योरम थोड़ी होगी, उसमें इसकी पावर कुछ भी हो 7 हो 8 हो, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, उसको बन जाते हैं अपने आप, केवल ये फॉर्मूला से ए प्लस एक्स की होता है, इसको रटना पड़ेगा, फैक्टोरियल पढ़ोगे तुम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत चीज है पढ़ाई नहीं है समझो सर, इसमें होल स्क्वायर से टू था उसका होल स्क्वायर की पावर 7 है, तो मतलब इस पर 7 आया है, ये फिर हां स्क्वायर की जगह 7 आएगा, फिर एक चीज और भी है मतलब 7 ए भी, फिर तो मैं समझो ए की पावर 6 भी आएगा, फिर ए की पावर सॉरी बी की पावर 6 सी आएगा, फिर ए की पावर 6 सी आएगा, इस तरह से टर्म्स आएंगे, और ये मैंने तीन तरफ लिखे हैं, ऐसे 6 और आएंगे,
मतलब सिक्स फिर फाइव बार आएगा, जैसे दो के तीन बने थे, तीन के छः बन गए, ऐसे ही दस के सोचो कितने बनेंगे, ये होता है माइनस दस और ज़्यादा बनेंगे दस के बीस, दस के बीस, सौ के दो सौ, वही तो है। तो जितने ज़्यादा बड़े था अभी तो तुम्हें हाईएस्ट ही है, इससे ज़्यादा बड़े नहीं। पावर फोर में तुमसे पूछेंगे भी नहीं, कोई होती है पावर फोर की होती है। अभी सर क्लास टेंथ में इससे बड़ी नहीं, नहीं क्लास मैं कह रहा हूँ क्लास नाइन्थ और टेंथ की मैथ्स ऐसी है कि पूछो मत, और इलेवन ट्वेल्थ की एकदम ही आया सर, उसमें इलेवन में ठीक से कर लिया तो टेंथ ट्वेल्थ में ज़्यादा देखा। हाँ उसमें भी सेम चीज़ जैसे नाइन्थ में दिया है ना उसी टाइप का लेना आएगा, टेंथ जैसे इलेवेंथ बेस्ड है ना वैसे ट्वेल्थ भी इलेवेंथ भी बेस्ड है। और मैथ्स में तो तुम अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो बहुत चीज़ है, मेरे को मैथ्स से तो जमती थी, फिर मैं उसमें बी एस सी का सही सुना कि नहीं प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आराम आराम से मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, मेरे को सही सुनाइए इसमें याद हो गई अब तुम लोगों को। अब देखो इसमें क्वेश्चन आ गया फोर ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी का होल स्क्वायर, अब बताओ क्या चेंज होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, मुझे लगे वो फोर की जगह की जगह क्या हो जाएगा फोर ए, फोर ए बी की जगह थ्री बी सी की जगह नाइन सी, एक मैं करा रहा हूँ बाकी सब तुम करोगे, ए की वैल्यू करा दो फोर ए, फोर ए स्क्वायर फोर ए का होल स्क्वायर, देखो इसको स्क्वायर नहीं बोलते, फोर ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ये हुआ, फोर पे स्क्वायर नहीं है, अगर तुम इसे बोलो फोर ए होल स्क्वायर मतलब फोर ए पे भी, फोर पे भी लेफ्ट में फोर ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है थ्री बी, थ्री बी थ्री बी का होल स्क्वायर मुश्किल, देखो टू ए बी, टू ए बी का मतलब क्या हुआ टू इंटू ए की वैल्यू क्या है फोर ए, ध्यान से करना है इसे बिल्कुल, ये बी की वैल्यू क्या है थ्री बी, थ्री बी चलो टू ए बी खत्म, अब क्या है टू बी सी, टू इंटू बी की वैल्यू क्या है थ्री बी, थ्री बी सी की वैल्यू क्या है नाइन सी, बढ़िया प्लस ये भी खत्म टू ए सी, टू इंटू ए की वैल्यू फोर ए सी, सी की वैल्यू नाइन सी, देखो चेक करो कोई गड़बड़ तो नहीं है सही है ना, बिल्कुल अब करते हैं फोर ए का स्क्वायर जिससे मैं पूछ रहा हूँ, अभिषेक बताओ फोर ए का स्क्वायर कर लो, तो आप इंग्लिश कर लो मैम को बुला रहा हूँ ना, एट एट बताओ ये ऐसी गलती मत करो, फोर फोर था सिक्सटीन ये सब लोग करते ना कीर्ति में अच्छा से पूछता हूँ, फोर फोर था सिक्सटीन होता है तो फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन ये लोग 18 बोलते ना, अरे सर मैं तो सही बोल रहा हूं, चलो 4 2 जा 4 2 8 3 जा 23 है, 23 है वैसे अच्छा पढ़ा सर, सर फास्ट ज्यादा करता है सर नर्वस हो जाता है वो, चलो नेक्स्ट करो इसका आंसर बताओ, नितेश बताएगा इस बार इसका आंसर, उन दिनों का सरेंड करना है तो करो ना, मेरे को तो पता बताओ आंसर होता है क्या होगा, तो मैंने क्या करा ये जो मेरा क्वेश्चन था इस पूरे को मैंने कितनी टर्म्स में बांट दिया, एक दो तीन चार पाँच छः मैंने कर दिया एक्सपेंड, क्या कर दिया एक्सपेंड, तो मैं यही क्वेश्चन आएगा कि एक्सपेंड ये तो तुम्हें क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी का उसका लगाना है और एक्सपेंड करना है, नोट कर लो, हाँ सर मतलब इतना साथ है उसमें बड़ा करना, हाँ बड़ा करना है, और आप बड़ा करने को भी छोटा कर सकते हैं, मतलब ये भी आ सकता है उल्टा क्वेश्चन है, अच्छा सर फैक्टराइजेशन भी आएगा नेक्स्ट, चलो ये वाला करो और टीचर से अपन बिल्कुल आंसर चेक करेंगे सब सही होना चाहिए, ये किसमें दिक्कत है ध्यान रखना, इजी लगा क्वेश्चन तो सही माइनस हो गया बस, तो ये ध्यान रखना ये माइनस हो गया बी अपना, अब लगेगा तो वही ए प्लस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे कि अभिषेक ने बोला वो आयतन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू सर टू रखोगे चलो रखो ध्यान से रखना। एक ही क्या रखते हैं अभिषेक आदित्य टू एक्स रख दू टू एक्स का होल स्क्वायर देखिए क्या रखू चलो मैंने इतना कर दिया, मैंने कहा था करे मैंने पहले ये बताओ ये टर्म हो गई ये हो गई ये हो गई दो तुम करो तुम पे छोड़ रहा हूँ आंसर लेके आओ सही ला रहा है। अब ये तो तुम फटाफट कर लोगे एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर क्वेश्चन है एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी हो जाओ शुरू हो जाओ ऐसे तो मैं मन से लिखता हूँ ना घर का, हाँ तो उसमें भी अपन ने अपने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया, मैंने अपना लिख के दिया अपने जो स्कूल लेवल के थे वो दिए क्योंकि बच्चे की करते थे उसको पढ़ लेते थे उसको लिख देते वो एक्यूरेट लिख के आ गया। और ये लोग क्या कर रहे हैं अपने मन से लिखना है और फिर ना अपन नंबर नहीं देते ना तो फिर वो चेंज होने लगे, तो यही वाली बात हो गई थी उसको और इतना क्लोज जैसे ये और ये बेटा इतने क्लोज आप खड़ा होकर बात कर रहा है आपसे भी मैं दूसरी बात करती हूँ इतना क्लोज आप खड़ा होकर बात करते हैं गुस्सा नहीं आ गया और बात भी करें तो ठीक है मैं नॉर्मल वॉइस से बात करूँ चीक चीक की बात करो पूरी क्लास मैंने आपने बढ़ाया उसके मार्क्स दिए ना 100 में से 100 अगर साफ ही ना हाँ सिद्ध वो विकास समझ गया और जितने मार लो अपने लिए और मैंने तो कहती इसकी कॉपी मैं जो ना चेक करूँ फिर उसकी बोर्ड का है मैं चेक करके तो कर दूँ फिर चाहे तो अपने नंबर खुद लेगा लिख के दे दे हम चलवा लेंगे सर बोलिए तो उनको अगर आप बाबा लाल हाँ लिख लेना अभी चपा है ना आर्टिकल लिखते हैं ना अपन लोगों को तो आर्टिकल से उसी के से बहुत अच्छा लिखते हैं आर्टिकल लिखते हैं ना उसने आर्टिकल कैसे लिखा था यस करके लिखा था तो ऐसे प्रोपॉप से कौन स्टार्ट नहीं आते उसमें आई वगैरह भी कुछ नहीं आता आर्टिकल तो आता है वो बहस कर रहा है भाई की गोली लपेट देते हैं भाई 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 हाथ से बुझाई तुझे छोटे भाई जैसा ही है ना मार नहीं सकती क्या तुझे और
इसी में कांड हो जाता है सारा। अच्छा। कोई ऐसा बच्चा होता है जिन पर कंप्लेंट करके आगे अपनी गलती नहीं देखता वो। इसका आंसर आ गया करो करो फाइनल आंसर देते हैं अपन जब भी जब पूछे पूछो ये लास्ट नहीं लिखा तुम ये तीन साइंस सही रख रहे हो उसके बाद से तुम अपने करे जा रहे हो यानी कि बात नहीं हो ए बी ए की सही ए की तरह से ये तो आ रहा है चलो मैं करवाता हूँ। नहीं सर अभी थोड़ा थोड़ा और बच रहा है आपको फिर बता देंगे देखते हैं इसका सही आता है इन दोनों का इस बार नहीं आया इस बार तो ये सही कर रहा है जैसे तुमसे तो अच्छी कर रहा है दोनों से ये देखो एस कर रहा वही मैं कह रहा हूँ ना कई बार कुछ भी हो सकता है एस कर सी कर इसने ये सही लिखा दो इंटू एक्स इंटू वाई तुमने कहा लिखा ना पहले तो आप देखो तुम बस यहाँ से गलती करते हो टू टू जा टू लिख दिए फोर टू जा सर फोर एक्स और एक्स इंटू वाई स्क्वायर नहीं आएगा ठीक है लिखा बिल्कुल सही है टू टू जा फोर वाई टू जेड बल्कि टू टू जा फोर फोर टू जा सिक्सटी टू सिक्सटी ऐसे ही फोर टू जा चलो बिल्कुल जो बोर्ड में करना है उसका मेथड क्या रहता है देखो ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू टू बाय सी की वैल्यू फोर जेड उसका हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वैल्यू कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू इन सब में रखनी है। कर दो ए की वैल्यू आर एच एस में रखनी है, देखो आर एच एस मतलब ये होता है आर एच एस, ये होता है आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जरूरी नहीं है लिखना, लिख भी सकते हो। ए की वैल्यू क्या है मैं यहाँ रख दूँ एक्स पर, ये तुम तीनों में सही कराए बी की टू आई बाय स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी की फोर जेड होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस, अब क्या है तो वन कर दो, अब क्या है टू ए बी, तो ये तुमने गलत कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों करा टू ए बी, टू ए की वैल्यू एक्स b की वैल्यू टू आई, तो ये क्यों नहीं लिख पा रहे सर जी, तो मैं तीनों से आ रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है कोई डाउट है तो पूछो, नहीं सर तो ऐसा तो मैंने किया था सर, क्या है ना जी टू ए की वाला है ना बिल्कुल सही है, इतना उसने कर दिया था नितेश ने पूरा प्रॉपर यहाँ तक, तुम लोगों ने ये भी नहीं करा था, आप देखो ढंग से अब क्या होगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, टू वाई का आपका था टू का स्क्वायर फोर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, फोर जेड प्लस कर रहा था फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, जेड का जेड स्क्वायर ठीक है, अब देखो यहाँ से गलत गलत गड़बड़ होता है, टू का फोर एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये समझ लो अच्छे से, एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इंटू वाई करोगे तो एक्स वाई आएगा, कोई चेंज नहीं रहता, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन यानी फाइव इंटू थ्री करते हैं ऐसे, ए मान लो बी मान लो ए इंटू बी ए बी तो आता है ऐसे, एक्स इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई ही आएगा, बस ये चीज़ है, चलो टू टू जा टू फोर 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 जा सिक्सटीन ठीक है, प्लस सिक्सटीन वाई इंटू जेड वाई सर प्लस फोर टू जा फाइनल आंसर, अब जब भी पूछवा देते तो सबसे लोग फर्स्ट करते हैं, मैं पूछता हूँ फाइनल आंसर तुम ये सुनाने लग जाते नहीं फाइनल ही है भैया, मार्क्स इसके देगा टीचर इसके नहीं आएगा, इतना तो मैंने कर दिया, इसके बाद ये फोर एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई जेड प्लस एट एक्स जेड है ना, हाँ सर जी ऊपर का सुनाता है तो अब ये सोचते हो क्या सुनाता है, ये सबको पता है ऊपर का मेन, अब मैं पूछूंगा फाइनल तो क्या बोलेगा सर, आप जरूर देगा सवाल कर सकते हैं, अब होमवर्क लिखो, होमवर्क में क्या क्या करना है सर, होमवर्क जरूर लिख कर लेंगे आना तो जैसा तुम्हारी मर्जी, जो जब करना कर रहा हूँ, और क्वेश्चन का फर्स्ट वाला करना चलो, फोर्थ थर्ड की कौन से कौन से करने हैं लिख लो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ लिखो, कल चेक करना और अच्छे से करके लाना सर, और ऐसे करना सर, ये मतलब कौन से वाला है ये 2.4 ये देखो ये वाला है ये वाला ये वाला, तो तुम्हें कैसे करना है वही आइडेंटिटी यूज करके, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, ए की वैल्यू एक्स हो जाएगी, बी की टू वाली वाई सी की फोर हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा इसमें ये वाला है ए की थ्री है बी की इलेवन सेवन गलत माइनस सेवन ये गलती मत करना, सी की माइनस सेवन करके लाना होगा यस सर,